ओम शांति। अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखे अपने मस्तक में चमकते हुए भाग्य के सितारे को। देखे अपने तीनों भाग्य को। अलौकिक जन्म का भाग्य, संबंध का भाग्य, प्राप्तियों का भाग्य, मेरे इस अलौकिक दिव्य जन्म का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। मुझे ये दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता भगवान है। सोचो कितना बड़ा भाग्य है ये। मुझे सर्वश्रेष्ठ संबंध का भाग्य प्राप्त है। बाप, टीचर, सद्गुरु, तीनों संबंध एक बाबा से है। एक बाबा में ही तीन संबंध है। जहां बाबा है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की है। एक बाबा में ही तीनों संबंध है। मेरे तीनों संबंध बाप, टीचर, सद्गुरु एक में ही है। एक में ही तीनों संबंध होने से सहज योग का अनुभव। मुझे स्वयं परमात्मा से बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। वर्षा भी कितना ऊंचा जो आधा कल्प चलता है। स्वयं परमात्मा से शिक्षक के संबंध द्वारा मुझे कितनी ऊंची शिक्षा मिलती है।
ये शिक्षा, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। मुझे परम शिक्षक द्वारा कितनी ऊंची पढ़ाई प्राप्त हुई है। मुझे परम शिक्षक द्वारा कितनी ऊंच प्राप्ति हुई है। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किसी से हो नहीं सकती। मुझे परम शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। मैं अभी भी स्वराज्य का राजा हूं। मैं राजयोगी आत्मा, स्व पर राज्य करने वाला स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं, मैं आत्मा मालिक हूं। मैं अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूं। मुझे वर्तमान में स्वराज्य प्राप्त है और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। मुझे डबल राज्य की प्राप्ति है। वर्तमान में स्वराज्य की प्राप्ति भी और भविष्य में राज्य पद की प्राप्ति भी। स्वयं परमात्मा मेरे सद्गुरु है। परम सद्गुरु द्वारा मुझे श्रीमत मिलती है। सर्वश्रेष्ठ मत मिलती है। मुझे परम सद्गुरु द्वारा कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। मैं सदा अपने परम सद्गुरु की श्रीमत पर चलने वाला सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। कितना भाग्यवान हूं मैं जो मुझे बाप, शिक्षक और सद्गुरु तीनों ही संबंध एक परमात्मा से प्राप्त है।
शांति।